ऊंगा सूंगा घूम रहे। उरक सुनिए यक्कू, तुम्हें देखना तो चाहिए वो पोछा लगा रहा। 10 बार वो पोछा लगा चुका सवेरे से, और तुम चप्पल पैर के इधर से उधर कम से कम सूख तो जान दो। वो इतनी मेहनत कर रहा तो क्या हो गया, इसका काम करने का है करने का। सफाई के लिए चाहे हम 20 बार निकले, इसका क्या मतलब है, तनख्वाह किस लिए दे रहे हैं हम। काम करेगा अपना, हम क्या इसके लिए रुकेंगे, हम अपना काम करेंगे। और तू भी, तेरा कौन सा काम चप्पल रहा जाते इधर से उधर घूम रही है। मम्मी एक बात बताओ, इसकी बड़ी ओढ़ ले रही हो तुम, और पापा ठीक तो कह रहे हैं, ये एक नौकर है, इसका काम सफाई करने का है। और हम निकले भी ना, इन पैरों को क्या सिर पर रख ले, और देख ले कितनी बोल रही है। मैं कि तुझे नुकह रही हूँ सिर पर धर ले पैर, अरे कम से कम उसे सूख तो जान दे। ए मर पर है। कोई बात ना बेटे, तू इसे छोड़ और हाथ मुंह धो ले, रोटी खा ले। कोई बात नहीं मालकिन, थोड़ा सा काम करके इसे करके खा लूंगा, बस 5 मिनट की तो बात है। मम्मी एक गिलास पानी ले आओ ना। खुद ले ले बेटा। मम्मी मैं कुछ कर रही हूँ, ले आओ ना। लो दीदी वो पानी। तेरी हिम्मत कैसे हो गई इन गंदे हाथों से पानी लाने की। और दीदी तेरी औकात है दीदी बोले लायक, नौकर है नौकर बन के रहे, भाई बहन का रिश्ता मत जोड़ यहाँ पे। वो मालकिन कुछ काम कर रही थी, मैंने सोचा मैं दे देता हूँ, वो कुछ काम कर लेंगी, वो इसलिए ले आया। इसलिए ले आया। कैसे चिल्ला रही है, और ये क्या कर दिया। मम्मी इसने अपने गंदे हाथों से मुझे पानी लाके दिया। अरे पानी तो लाया, जहर तो लाके ना दिया तुझे। तुझे में तमीज ना है, किससे किस तरीके की बात करनी चाहिए। मम्मी ये एक नौकर है, और मैं नौकरों की तरह बात करूंगी इससे, और ऊपर से मुझे ये दीदी बोल रहा है। अरे दीदी तो बोल रहा, गाली तो ना दी तुझे। और नौकर भी एक इंसान होते हैं, कोई शौक में नौकर नहीं बनता, उसके हालात उसकी मजबूरी उसे नौकर बनाते हैं। कोई बात नहीं मालकिन, मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मानता, ये मेरी छोटी बहन है। चल बेटा तू कपड़े चेंज कर ले, जा कुछ और काम देख ले। ठीक है मालकिन। पढ़ाई लिखाई पता ना कहाँ खो दी इसने। इस नौकर की वजह से ना मुझे डांट खानी पड़ी, इसे छोड़ूंगी नहीं। सुबह से दोपहर हो गई, तेरे पे ये कपड़े नहीं धुले, और काम क्या तेरा बाप करेगा आपके। वो दीदी मेरे पिताजी के बारे में मत बोलो। ओहो आजकल तेरी बहुत जवान चल रही है, और तेरे बाप के बारे में क्यों ना बोलूं, वो कहीं का मिनिस्टर है क्या। क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। रो के दिखा रहा है, मैं नहीं आने वाली तेरे इस ड्रामे में। मम्मी मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। राहुल अरे बेटा इसके लिए खाना ले आई है। मम्मी मैं उस नौकर के हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा तेरा टेस्ट था ना आज, टेस्ट दिखा चल पहले अपना।
मम्मी भूख लगी है, पहले खाना लेके आ जाओ। ना बाद में खाइए खाना, पहले दिखा। हाथ कैसे कांप रहे तेरे हैं? तू तो एक भी सब्जेक्ट में पास ना है। मम्मी मैंने तो बहुत मेहनत की थी और मैंने अच्छा भी किया था। लगता है मैडम चिढ़ती है मुझसे, जब भी तो उन्होंने गलत नंबर दिए। अच्छा मैडम गलत नंबर देगी तुझे, पढ़ती तो तू है ना, और मैडम की गलती बता रही है। दीदी ठीक कह रही है मालकिन, कभी कभी टीचरों से गलती हो जाती है चेक करने में, वैसे एक बार दिखाना। इन्होंने तो सारे क्वेश्चन गलत किए हुए हैं, पूछा कुछ है आंसर कुछ दिया है, इसमें टीचर की गलती नहीं है। जब आंसर ही गलत दोगे तो टीचर कहां से नंबर रखेगा? ए तू तो नुकार रही, इसमें टीचर की गलती है। दीदी तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। सुन मेरे सूट पे प्रेस कर दे, मुझे कहीं जाना है। दीदी वो बस आधी रोटी रहेगी, अभी कर देता हूँ। तेरे चक्कर में मुझे लेट नहीं होना, बाद में खा लियो, हर वक्त खाने ही खाते रहे। दीदी बस आधी रोटी रहेगी, इसे खत्म कर लूँ, अभी कर देता हूँ। खाने के सिवा और कुछ काम है? तुझे समझ में नहीं आता मैंने क्या खा, चल बाद में खाइयो। ले तेरा फोन आया है, ले जाने किस किस के फोन आते रहे। मैं हेलो हेलो बेटा हेलो। हाँ बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। बेटा मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तू जल्दी से आ जा। क्यों क्या हो गया? वह बेटा मेरा जी घबरा रहा है, तू बहुत जल्दी करके आ जा। ठीक है माँ, पता नहीं मालकिन छुट्टी देगी नहीं। बहुत देर होगी बात बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कि खरीद के दे दिया हो। जब इतना ही शौक है ना बात करने का तो ले ले अपना फोन। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अपनी माँ को देखने जाएगा ना। मैं ऐसा काम करूंगी ना, अपनी मम्मी की नजरों से गिराऊंगी इसे।
बेटा ये क्या कर रहा? वो मालकिन, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं गांव जा रहा हूँ। बस 5 दिन की छुट्टी चाहिए। 5 दिन की? 5 दिन की तो बहुत ज्यादा हो जाओगे। तुझे पता ही है मेरे से तो काम ना होता, मेरा वैसे ही कमर में दर्द रहा है। मालकिन, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, 5 दिन की छुट्टी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। 5 दिन की तो बहुत ज्यादा हो जाओगे, बस मैं तुझे 2 दिन की छुट्टी दे सकूं। तुझे पता ही है मेरी वैसी कमर में दर्द रहा, मेरे से काम नहीं होता। ठीक है मालकिन, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो। मम्मी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। काहे की? वो तुमने परसों पैसे रखे थे ना? हाँ। क्या आपने दोबारा गिने? ना। मम्मी, तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? तू ऐसा क्यों बोल रही है? वो अपने घर जा रहा है। अरे तो उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए जा रहा हूँ। मम्मी, ऐसे लोग पैसे हाथ में आते ही घर भागने की सोचते हैं। अरे ऐसा कुछ ना है। मम्मी, आप तो मेरे पे भरोसा करती नहीं हो, पर एक बार जाके देख लो। चल तू कह रही है तो मैं देख लेती हूँ, मगर ऐसा लड़का है ना वो। राहुल? जी मालकिन। बैग दिखा एक को। राहुल, ये सब क्या है? मालकिन, मुझे नहीं पता। तुझे ना पता? अरे ये तेरे बैग से निकले हैं, और तू कह रहा मुझे ना पता? मालकिन, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये पैसे आए कहाँ से। अरे तू उस दिन झाड़ू लगा रहा था, ये पैसे मैंने तेरे सामने रखे थे। इन पैसों के क्या पैर लग गए जो तेरे बैग में आ गई है? सच बता दे, बात क्या है? मालकिन, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये पैसे आए कहाँ से। मैं अपनी माँ की कसम खा कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। नीच, माँ की कसम खा रहा बेशरम? अरे मैंने तुझे अपनी औलाद की तरह मानना, और तेरे पे इतना भरोसा करा मैंने, और तन्ने क्या करा? मेरे भरोसे को ये सिला दिया तन्ने? डूब का मर जा नालायक कहीं? और एक माँ की नहीं तन्ने 2-2 मान का विश्वास तोड़ा ये चंद पैसे इनके लिए? शर्म नहीं आ रही तुझे? देखने में तो ऐसा लगा साफ सूंगा से जैसे कुछ जानता ना हो। मम्मी, बात करके क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? पुलिस को कॉल करो, जब इसके 4 डंडे लगेंगे ना, जब इसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे ऐसा क्या कर दिया इसने? क्या बात हो गई ऐसी? तो पुलिस बुलाने की नौबत बता रही है। ये देख लो, पैसे निकले इसके बैग से, चोरी करी है इसने। चोरी करी है इसने? स्वाति इसके कमरे में क्या कर रही है? कर रही होगी, चलो। स्वाति, बेटा इसके कमरे में क्या कर रही थी तू आज? बैग में क्या टटोल रही थी? पापा, वो मैं तो कुछ नहीं कर रही थी। सच सच बता, क्या कर रही थी? मैंने देखा है तुझको बैग टटोलते हुए। नहीं पापा, मैं तो नहीं कर रही थी कुछ। पूछो इसको, इसको देखा है मैंने बैग टटोलते हुए। स्वाति, सच बता दे, बात क्या है? तू ना रखे ना इसके बैग में? नहीं माँ, मैं क्यों रखूंगी? मैं नु कह रही हूँ सच बता दे, नहीं तेरे धड़ से गर्दन अलग कर दूंगी। नहीं माँ, मैं क्यों रखूंगी? झूठ बोल रही है? हाँ मैंने रखे। क्यों? क्यों करा तन्ने ऐसा काम? क्योंकि मैं इस इंसान से नफरत करती हूँ। जब से ये हमारे घर में आया, मुझसे ज्यादा इससे प्यार करती हो तुम, मुझसे ज्यादा इस पर भरोसा करती हो तुम। मैं तुम्हारा खून होते भी फिर भी पराई लगती हूँ, और ये तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता है फिर भी अपना लगता है ये। बेटा, खून के रिश्ते धोखा दे जाते हैं, मगर दिल के रिश्ते कभी धोखा नहीं देते। बेटा तू जानती है मुझे क्यों प्यारा लगता है? जब से हमारे घर में आया हूँ, निस्वार्थ हम लोगों की सेवा कर रहा है ये, और इसने आज तक उब तक नहीं करा। और बेटा, कोई शौक से नौकर नहीं बनता, उसके हालात, उसकी मजबूरी उसे नौकर बना देते हैं।
बेटा मजबूरी को समझो, मजबूरी किसी पे भी आ सकती है। आज ये हमारा नौकर है, कल हम किसी के नौकर बन सकते हैं। और राजा को रंग बनते देर नहीं लगती। स्वाति माफी मांग। भैया मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें समझने में गलती हो गई। अरे पगली, तू तो मेरी छोटी बहन है और छोटों से गलती होती रहती है। मैंने तुझे कब का माफ कर दिया, मुझे कोई गिला सिखवानी है तुझसे। देख ले कितना बड़ा दिल है इसका, इतनी बड़ी गलती करी और तुझे फिर भी माफ कर दिया इसने। राहुल ये पकड़ पैसे और गांव जा, अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवा के आइए और जब आ जाइए। पकड़ देख के रहा है, ले। नहीं मालकिन मुझे पैसे नहीं। नहीं नहीं रख ले, और आज के बाद मालकिन ना कहना तू मुझे माँ बोल लेगा। आज से तेरी दो माँ है, और जल्दी से अपनी माँ का इलाज करवा के जल्दी यहाँ आ जाइए, क्योंकि एक माँ तेरी यहाँ भी इंतजार कर रही है। और इस घर का नौकर ना है तू, अब आज से तू इस घर का बेटा है। लो भैया और जल्दी आना। ठीक है जी, नमस्ते नमस्ते जी। तारा बना रहे। देखभाल कर जाइए।